असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू आर डूंगयर टू डिस्कस विद यू पीपल द टॉपिक ऑफ एप्टोसिस एप्टोसिस एपटोसिस का मतलब ये है फिलिंग ऑफ इट इज़ द वे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनवॉन्टेड सेल एंड दो सेल विच आर डिमिज बियड रिफेयर कैपेसिटी ऑफ सेल हमारे बॉडी की जो सेल्स है अनवान्टल्स है उसको एलिमिनेट करता है इसके साथ साथ जो हमारे बॉडी की जो डेमिज सेल्स हैं उसकी उसमें रिपेयर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो उसको फिर किल और डिस्ट्रॉय करता, करता है किल और डिस्ट्रॉय करता है ठीक एपोप्टोसिस जनरली इन्वॉल्व सिंगल सेल इन कंट्रास्ट टू नेक्रोसिस डेट यूजुअली इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ सेल सिंपली एपोप्टोसिस में हमारे पास सिंगल सेल इन्वॉल्व होते हैं इस कम्पेयर टू नेक्रोसिस में हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होते हैं मिसाल के तौर पर कि जब डीएनए की सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आ जाती है कोई डैमेज डैमेज अगर होता है उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है फिर तो फिर इसका एक रास्ता निकलता है कि सिल को किल कर दिया जाए ये जो डैमेज हुआ है इसको ख़त्म करना है ठीक है जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो प्रोग्राम सेल डेथ होगा फिर इसके बाद सिल शेयरिंग हो जाता है इस और इसके बाद सिल्क को छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाता है ठीक है इसको एपोप्टोटिक बॉडी कहते हैं और ये जो एपोप्टोटिक बॉडी बाहर की तरफ जाती है ठीक है सिल्स से बाहर की तरफ जाती है इसके बाद हमारा जो बॉडी की जो डिफेंस मेकेजम है वो एक्टिव हो जाते हैं और जो माइक्रोपेच है ये जो छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडी हैं उसको गलत किया जाता है और डाइजेस्ट किया जाए ठीक टाइप्स एपोप्टोसिस में भी ऑफ टू टाइप्स एपोप्टोसिस की पारदीर दो टाइप्स हैं एक है फिजियोलॉजिकल तो है एपोटोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है ये दोनों प्रोग्राम सेल डेथ हैं प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब है डेथ का जो प्रोसीजर है वो ऑलरेडी डिसाइड है ठीक है कि इस तरीके से यहाँ से सेल को किल करता है फिजियोलॉजिकल केसेस किया है क्यों हमारे बॉडी खुद बहुत हमारे जो बॉडी की सेल है वो सुसाइड करेंगे ठीक है फॉर एग्जांपल हमारे स्किन के ऊपर जो सेल है नॉर्मली वो डाई होते रहते हैं मरते रहते हैं और नए सिल यहाँ पर ग्रोथ करते रहते हैं ठीक है एपोप्टोसिस के थ्रू मरेगा ठीक है यहाँ पर जो है एम्ब्रोजनीसिस ड्यूरिंग एम्ब्रोजिनीसिस एम्ब्रोजनीसिस के दौरान जो एक्सेस सेल है वो रिमूव हो जाते हैं ठीक है एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली सेल रिएक्टिंग लिबोसाइट जो से रिएक्टिंग लिम्बोसाइट है या हार्मुल हार्मुल सेल है वो रिमूव हो जाते हैं ठीक है एलिमिनेशन हो जाते एलिमिनेट हो जाते हैं डेथ ऑफ सेल डेथ हैव कंप्लीट दियर फंक्शंस वो सेल जिन्होंने अपने काम मुकम्मल किया वो डेथ हो जाता है ठीक अभी हम मेकेजम की बात करते हैं एपोप्टोसिस कैन बी इंड्यूस थ्रू तो टू डिजिंग बट कन्वर्जन पाथवे वो कौन से दो पाथवे हैं जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवाते हैं एक है एक्सट्रेंसिक पाथवे दूसरा है एंट्रेंसिक पाथवे एक्सट्रेंसिक पाथवे का दूसरा नाम हम बोलते हैं डेथ रिसेप्टर पाथवे एंट्रेसिक पाथवे के दूसरा नाम बोलते हैं माइड्रोकॉन् पाथवे ये दोनों सिल्क के अंदर की प्रोसेस है लेकिन जो एक्सट्रें एक्सट्रेंजिक है इसको सिग्नल मिलेगा बाहर से मिलेगा ठीक है दोनों होगा सिल्क के अंदर ठीक सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रेंजिक पाथवे की एक्सट्रेंसिक पाथवे की दूसरे नाम है डेथ रिसेप्टर पाथवे ठीक है इट इज इनिशिएटेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर कॉल्ड डेथ रिसेप्टर यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है जिसका नाम है डेथ रिसेप्टर ठीक है डेथ रिसप्टर स्टिमुलस होगा स्टिमुलेट होगा एक्स्ट्रास्लर मतलब बाहर से कोई स्टिमुलस आएगा ये ये रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगा ठीक है जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वहाँ पर जब डेथ रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो आगे जाके वो ट को एक्टिवेट करेगा किसपेस एट क्या है अभी किस्पेस एट ये प्रोटीस पूटी इंजैम है ठीक है ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं ठीक है फिर ये येपेस एट जो है ये प्रो किस्पेस को एक्टिवेट करेगा ये प्रो, एक प्रोके स्पेस कन्वर्ट हो जाता है क्स्पेस थ्री में तो फिर ये स्पेस थ्री आगे जाके लीड करेगा एप्टोसिस ठीक एंट्रेंसिक पाथवे जैसे कि एंट्रेंसिक पाथवे के, के दूसरा नाम है माइक्रोकॉन्ड्रियल पाथवे इट इज़ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्बर परमिबिलिटी इन द रिडीज ऑफ प्रोएप्टोटिक मार्क लैक सैटोक्रोम सी एन टू दैटोपलाजम इंट्रेंसिक पाथवे में माइट्रोकनड्रियल मंबरेन की जो परमिबिलिटी हुई वो इंक्रीज हो जाती है और वहाँ से प्रोएपोप्टोटिक मार्कर जो है ना वो सैटोक्रोम सी रिलीज़ करता है एन टू द साइटोप्लाजम साइडोपलाजम से मीन माइट्रोकॉन साइट्रोप्लाजम के अंदर जो माइट्रोकॉर्न दिया है ना वहाँ से साइटोक्रोम सी रिलीज करता है मिसाल के तौर तो पर हमारा जो डीएनए है वो डैमेज हो चुका है और इसकी रिपेयर नहीं हो सकता तो इसको किल करना ही पड़ेगा और एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने वाला है वो इनहिबिट हो जाते हैं क्योंकि इनहिबिट इनहिबिट नहीं होंगे वो तो एपोप्टोसिस होगा कैसे इनहिबिट करने वाला जो पैक्टर है एपोप्टोसिस होने नहीं देता वो है एंटी एपोप्टोसिस वो यहाँ पर इनहिबिट हो जाते हैं एंटी एपोप्टोसिस यहाँ पर इनहिबिट हो जाते हैं ठीक है थीके? और फिर एपोप्टोटिक पैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक तो है तो जब एपोप्टोटिक पैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो आगे जाके बैक्स बैक्स का पारमेशन करते हैं बैक्स हम आगे जाके देखें कि बैक्स क्या है ठीक है और इसके बाद माइट्रोकॉन्डिया में एक्जट हो जाएगा और वहाँ होल क्रिएट करेगा क्योंकि हमको सेटोक्रोम सी चाहिए और वो हमको माइट्रोकोनडिया देगा साइटोक्रोम सी रिलीज करने के बाद एबोप्टोसम का फॉर्मेशन हो जाएगा एबोप्टोसम प्रो के स्पेस को एक्टिवेट करेगा प्रो के स्पेस किया करेगा प्रो के स्पेस जो हमने पहले बताया ये किस्पेस स्पेस जो है ना वो प्रोटीस एंजाइम है ठीक है ये तोड़ तोड़ पोल करता है प्रो क्र नाइन को कन्वर्ट हो जाता है प्रो कस्पेस थ्री में प्रो के थ्री कन्वर्ट हो जाता है कि स्पेस थ्री में जब स्पेस थ्री आगे जाके लीड करेगा एपोप्टोसिस। एक्सट्रेंसिक पाथवे में कैसे स्पेस थ्री एपोप्टोसिस को लीड करेगा और इंट्रेंसिक पाथवे में कि स्पेस थ्री लीड करेगा एपोप्टोसिस को ठीक है फिर एब्रोसेस के पेज में आ जाते हैं तो एब्रोसिस कैन बी डिवाइड इन टू टू पेज एब्रोसिस फर्दर डिवाइड हो जा हो जाता है टू पेज में एक है इनिशिएशन पेज दूसरा है एजुकेशन पेज इनिशिएशन पेज में क्या है स्टार्ट्स विद द स्टिमुलस इधर एक्सट्रेंजिक और इट कंसिस्ट ऑफ कैटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ के स्पेस लाइक एट एंड नाइन इनिशिएशन पेज में स्टिमुलस दोनों होगा एक्सट्रेंसिक भी होगा और इंट्रेंसिक भी होगा या एक्सट्रेंसिक होगा या एंट्रेंसिक होगा ठीक है कंसिस्ट ऑफ कीटोबॉलिक एक्टिवेशन मतलब ये है कि बड़े टुकड़ों कन्वर्ट करते हैं छोटे टुकड़ों में ठीक है और के स्पेस लाइक एट नाइन स्पेस हमारे पास जो है ये प्रोटीएस एंजाइम है यहाँ पर जो प्रोटीन इन्वॉल्व है वो है स्पेस केपेस दो किस्म की एक है इनिशिएटर दूसरे हैं एग्जीक्यूटर इनिशिएटर में एट नाइन शामिल है एग्जीक्यूटर में थ्री सिक्स सेवन शामिल है ये जो स्पेस एट नाइन है ये डायरेक्टली जाकर को डैमेज नहीं करता डायरेक्ट जाकर एपोप्टोसिस नहीं करता ठीक है केपेस थ्री सिक्स सेवन ये जब एग्जीक्यूटर के स्पेस एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर सिल्कियाँ जो सेटोस्किले टन कहा जाती हैं न्यूक्लियर कहा जाती हैं ठीक है ठीके? इसके साथ और डीएनए को कहा जाती हैं तो इसके बाद सिल्क श्रिंक हो जाता है एजुकेशन पेज में जो कि स्पेस इन्वॉल्व है ठीक है वो है कि स्पेस थ्री है कि स्पेस सिक्स है कि स्पेस सेवन है ठीक है और इसकी जो काम है मैंने जो मैंने आपको पहले भी बताया ये एक्जर के स्पेस को एक्टिवेट जब हो जाते हैं तो फिर सिल की जो साइटोस्केलेटन वो कहा जाती है न्यूक्लियर कहा जाती है डी एन ए कहा जाती है जब डी एन ए कहा जाती है इसके बाद सिल श्रिंक हो जाता है ठीक है तो एक्सट्रेंसिक पाथवे में इनिशिएशन पेश किया है इट इज इनिशिएटेड थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर कॉल्ड डेथ रिसेप्टर जो इनिशिएट रिसेप्टर है यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर है इसका नाम है डेथ रिसेप्टर ठीक है एफ़ ए एस प्रोटीन सी डी ने निप या फेस प्रोटीन टी एन एफ रिसेप्टर इन दोनों का काम है सिल को सिग्नल देता है ये दोनों सिल को सिग्नल देता है कम्युनिकेशन में हेल्प करवाता है एफ ए डी डी एफ ए डी डी का मतलब है पेस एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेड डोमेन अब जरा इस इस डायग्राम को देखें सबसे पहले जो है न रिसप्टर जो है ना बाहर जो है ना ये रिसेप्टर है जब बाहर से सिग्नल प्रोवाइड हो जाता है इसको तो ये ये क्या करवाते हैं एप ए डी डी जो है ना ये प्रो प्रो के स्पेस एट को एक्टिवेट करवाते हैं ठीक है जब प्रो के स्पेस एट एक्टिवेट हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाते हैं कि स्पेस एट में ठीक है जबकि स्पेस एट प्रो के स्पेस थ्री में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है जब प्रो के स्पेस थ्री फिर कन्वर्ट हो जाते हैं कि स्पेस थ्री में कि स्पेस थ्री आगे जा लीड करता है एपोप्टोसिस ठीक है फेस प्रोटीन सी डी नाइन्टी फाइव पेस रिसिप्टर डेथ रिसेप्टर मल्टीपल फेस प्रोटीन कम टुगेदर सेटोप्लाजमिक अडेन कम्बाइन टू फॉम अडेथ डोमेन एफ ए डी डी एक्टिवेट फ्रो केट टू एक्टिवेट केोटीन सी डी नाइन्टी फाइव पेस रिसेप्टर डेथ रिसेप्टर मतलब सिल्क सिग्नल मिलेगा ठीक है बाहर से ठीक है इसके और इसके बाद जो है ना मल्टीपल पेस प्रोटीन वहाँ जमा हो जाते हैं साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन के साथ और वहाँ कंबाइन हो जाते हैं साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं डेथ डोमेन बनाते हैं और आखिर में एफ ए डी डी बनाते हैं मतलब पेस एसोसिएटेड प्रोटीन विद डेथ डोमेन बनाते हैं वो एक्टिवेट करेगा प्रोके स्पेस एट एक्टिवेट के मतलब के स्पेस एट एक्टिवेट करेगा प्रो के स्पेस एट को ठीक स्टिमुलस पर बात करते हैं तो स्टिमुलस कहाँ से आ जाते हैं स्टिमुलस का काम क्या है यहाँ पर ठीक है तो एंटी एपोप्टोटिक मालिक्यूल बी सी एल टू एंड बी सी एल एक्स यहाँ पर और भी है एम एल सी वन भी है और लॉस्ट रिप्लेस्ड बाई प्रो एपोप्टोटिक मालिक्यूल लाइक बैक बैक्स एंड बैम इंक्रीज माइट्रोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी एम रिलीज टू सैटोक्रोम सी एंड टू सैटोप्लाजम एक्टिवेट एफ वन एलॉन्ग 9 एक्टिवेट apoptotic मतलब एप्टोसिस नहीं चाहता एप्टोसिस प्रॉसिस नहीं चाहता अगेंस्ट एप्टोसिस ठीक है तो वहाँ पर जो प्रोटीन मौजूद है बी सी एल टू बी सी एल एक्स और एक और भी है एम एल सी वन ये प्रोटीन क्या करता है इन्होंने एप्टोसिस प्रोसेस को रोक रोकना है ठीक है इन तीन प्रोटीन ये इन दो प्रोटीन का काम ये है कि एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है ना ये रुक हो जाए ठीक है और यहाँ की जो परमिबिलिटी है मतलब यहाँ की जो मम्ब्रेन फर्मिबिलिटी है या फर्मिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है इसको रिप्लेस में जो एपोप्टोटिक मालिक्यूल है मतलब बेक है बेक्स है बेम है उनका काम यह है कि उन्होंने एप्टोसिस करवानी है ये चाहता है कि एप्टोसिस हो जाए ठीक है तो ये क्या करेगा ये इंक्रीज़ द परमिबिलिटी माइट्रोक्रिया की जो परमिबिलिटी है वो इंक्रीज करेगा और वहाँ से जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाते हैं जब साइटोक्रोम सी से रिलीज हो जाते हैं तो एपोप्टोसिस खुद बहुत हो जाता है जैसे कि हमने पहले बताया कि स्पेस एक खास किस्म की प्रोटीएस इन्जाम है जो काता है ईटअप e करता है सिल्क के साटोस्किल को कहा जाता है डी को तोड़ता है ठीक है और सिल्क के सारे कंटेंट ये इन्जैम तोड़ता है ठीक है और सिल आहिर में श्रें हो जाता है ये स्पेस की काम है कि स्पेस एक खास किस्म की प्रोटीस इंजैम है जो कि फिर आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं एग्जीक्यूशन पेज में इट इज़ ए कन्वर्जेंस पॉइंट पर बोथ एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक पाथवे मीन डेट ये हारजी और अंदरूनी दोनों रास्ते के लिए एक कन्वर्जिंग पॉइंट है ठीक रिमेंबर इनिशिएशन के स्पेस के स्पेस यहाँ पर जो इन्वॉल्व हैं एट नाइन हैं जो मैंने आपको पहले uh, भी बताया एजुकेशन के स्पेस में जो के स्पेस इन्वॉल्व हैं मोस्टली थ्री और सेवन है ठीक है एक्सट्रेंसिक पाथवे इंट्रेंसिक पाथवे एक्सट्रेंसिक पाथवे से के स्पेस एट आ जाता है और एंट्रेंसिक पाथवे से स्पेस नाइन आ जाता है ये दोनों को काम क्या है ये एक्टिवेट के स्पेस थ्री एंड सेवन मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन के स्पेस को एक्टिवेट करेगा जो कि थ्री और सेवन है इसके बाद जो है ना ये सिक्वेंटली एक्टिवेट इज आल uh, अदर के स्पेस जो जितने भी अदर के स्पेस है वो एक्टिवेट करेगा टोटो एपोपटोटिक बॉडी फिर ये जो है ना येस किया करता है कहा जाती है न्यूक्लियर मेटीरियल जितने प्रोटीन है वो कहा जाती है और आखिर में सिल जो है ना वो डी नेचरेशन शुरू हो जाती है और एपोप्टोटिक बॉडी जो है ना वो इसकी जो पारमेशन हो जाती है इनर सरपेस मेम्बर नॉर्मली ड्यूरिंग ए बॉप्रोस प्लिप टू आउटर सरपेस एक्सटर्नलाइजेशन और पासपोर्टल टेगिंग पेगोस पेगोसाइटिस एनगल्फ एट पासपोर्टल सीरिन ये एक खास किस्म की मोर्कट है जो एक्टिवेट करता है प्लेटलेट्स को मासिल को न्यूट्रोफेक्स को ये ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में ये प्रेजेंट होता है इनर सरपस मम्बरन इनर सरपेस में मौजूद होता है और एब्टोसिस के दौरान ये आउटर सरफेस में आ जाता है ठीक है, है जो कि एनगल्फ करते हैं पेगोसाइड करते हैं जो एपटोस बॉडी बन गया ना वो को, उसको एनगल्फ कर दिया जाता है ठीक है यहाँ पर आप देखें ठीक है पासपोट सीरिन जो है ना ये अंदर की तरफ है नॉर्मल कंडीशन में ठीक है और जब ड्यूरिंग एपोप्टोसिस में ये बाहर की तरफ हो जाते हैं है पासपोटेरेल सीरिन ठीक है इसकी काम है एनगल्फिंग करना पेगोसाइड करना ठीक है बीस अल्ट्रेशन प्रमित अर्ली रिकॉगनेशन ऑफ एबोप्टोटिक सेल बाई माइक्रोपेच आहिर में माइक्रोपेच पे जो एबोटिक uh, बॉडीज uh, बन गए ना फॉर्मेशन उसकी हो गई तो फिर इसके बाद आ जाती है मैक्रोपेच uh, वो एबप्टोटिक uh, बॉडी को एमगल्ब करते हैं और फिर इसको डाइजेस्ट करता है ठीक है पेगोसाइटोसिस विदआउट द रिलीजिंग ऑफ प्रो इनफ्लिमेट्री सिलर कंपोनेंट्स ड्यूरिंग पेगोसाटो पेगोसाइटोसिस के दौरान Uh, कोई भी फ्रो इम्प्लीमेंट उगर कंपोनेंट रिलीज नहीं होगा ठीक है द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोटिक सेल इज सो सेल से विदाउट लिविंग एंड एम्प्लीमेशन इज वर्चुअली एबसेंट यहाँ पर जो है ना सेल जो है ना वो डेथ हो जाता है ठीक डिस जाते है डिसपेयर हो जाता है ठीक है और इससे कोई भी ली, कोई भी चीज़ लीप नहीं होता ठीक है और यहाँ पर जो इम्प्लीमेशन की प्रोसेस यहाँ पर जो सराउंडिंग एरिया है ना यहाँ पर कोई भी इम्प्लीमेशन प्रोसेस नहीं होता पेगोसाप्टोस में ठीक है एबॉप्टोस में और न्यूक्रोस में इम्प्लीमेशन का प्रोसेस होता है आखिर में आते हैं मार्फोलॉजिकल फीचर मार्फोलॉजिकल फीचर में सबसे सबसे पहले आते हैं सिल श्रिंकेज सल जो है ना वो श्रिंक हो जाते हैं इसके बाद इसफीलिया हो जाता है इसीनोफीलिया का मतलब है इसिनोफिल इंक्रीज द नंबर इसल जो है ना अपने नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं है पीके पीक पीक का मतलब है कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस क्लंपिंग न्यूक्लियस कंडेंस हो जाते हैं क्लम हो जाते हैं विच बिकम डार्क बेसिपिल फ्रेगमेंटेशन न्यूक्लियस न्यूक्लियस छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पर बेल्स बन जाते हैं इसके बाद एप्टोटिक बॉडीज़ की फार्मेशन हो जाती है फिर इसके बाद पेगोसाइटोसिस के प्रासेस स्टार्ट हो जाते हैं जब अपटोटिक बॉडीज़ की फार्मेशन हो जाती है तो यहाँ पर माइक्रोपेंज आ जाती है और ये एप्टोटिक बॉडीज को इन्गल्प करते हैं और डाइजेस्ट कर जाती है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल शेयर कर दें और लाइक कर दें थैंक